यार मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है. आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ संध्या. कवच किया, हलाला करके वेब सीरीज की, काफी काम किया है और अभी एक फिल्म भी की है. और अब आगे मैं फिल्म्स और वेब सीरीज में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. सर एक मिनट. हेलो, थैंक यू सो मच. कैसे दीपिका मैम आप? मैम शेड डॉक्टर सौम्य आ जाओ. हेलो हाय. आप लोग बाइक लीजिए फिर आप लोग संडे यहाँ मना सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी के लिए आया. मुझे बोल रही थी दिलों पर. नहीं तो अभी के लिए आया ना मैं. मैम आप साइड आ जाइए, पीछे जाइए. लुक सेंटर. साल की शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड. यू नो आई एम हेयर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ शेप एंड ग्लो. इट्स एन एस्थेटिक सेंटर. इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्थ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी, तो आई थिंक दिस इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन. और शुरुआत इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि सब जगह मेरे होर्डिंग्स लगे हैं इन मीरा रोड. और बहुत अच्छा लगा दिल को, सबने बहुत मुझे फ़ोन करके बोला. तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट, कहते हैं ना, ओपनिंग ऑफ दिस ईयर फॉर मी. तो बस आगे भी ये साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है, ऐसा मेरी मैनिफेस्टेशन है. तो यहाँ जो है आयुर्वेदिक सेंटर है, पंचकर्मा है, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं एंड सो मच मोर. फिजियोथेरेपी, योगा, आई थिंक एवरीथिंग. इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी. तो आपको अंदर से आयुर्वेदा और योगा सुंदर बनाता है, हेल्दी रखता है. और इफ़ यू आर लाइक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए फॉर स्लिमिंग एंड लाइक फॉर ब्यूटी, तो कॉस्मेटिक सेंटर भी है. एंड रिसेंटली मैगजीन के फ्रंट पेज पे थे, वहाँ टाइटल लिखा था हम गर्ल विद अ गोल्डन हार्ट. तो किस तरह का वो टाइटल आपको लगा? हाँ, वो भी एक देखिए बहुत ही अमेजिंग था कि साल की शुरुआत में मैगजीन कवर पे भी मैं आई. तो रियली एक एक्टर को, एक सेलिब्रिटी को क्या चाहिए. थैंक यू, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई फॉलोअर्स, माई फैंस, दैट द वे दे आर शोइंग देयर लव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड जो भी मैं काम करती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू. बहुत and, अच्छा लगा. द मोस्ट पॉपुलर शो, उसको कितना आप मिस करते हो, वो किरदार को कितना मिस करते हो? देखिए वो एक चीज़ है जिसने मुझे बहुत सिखाया. संध्या सबके लिए, सबने संध्या को, संध्या ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया और मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है. आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ संध्या. सो मुझे उस कैरेक्टर से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और जो अच्छी चीज़ें थी वो मैंने अपने साथ में रखी. और शायद इसीलिए मैं आज भी यू नो इतना अच्छा वर्कआउट कर पाती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मेरे लाइफस्टाइल में ऐड ऑन हो गई. एज एन इट वाज लाइक मैंने ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, यू नो आई वांट टू टेस्ट माय एक्टिंग स्किल्स. और बट वो धीरे 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 वो शो इतना चला कि मुझे अपने अंदर एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस आया. यू नो आई कैन पुल ऑफ एनी कैरेक्टर एंड द मतलब चैलेंजेस मैं एज एन एक्टर ले सकती हूँ. सो इसलिए क्या, यस डेफिनेटली मिस तो होता ही है. मिस होता है बेसिकली को एक्टर्स, वो वाइब. बट यस इट्स अ लाइफ. और उसके बाद भी यू नो सीखना जारी है. और उसके बाद भी मैंने कवच किया, हलाला करके वेब सीरीज़ की, काफ़ी काम किया है और अभी एक फिल्म भी की है.
तो लाइफ में आगे बढ़ता रहना बहुत ज़रूरी है, हम पास्ट में ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते। रश्मि इज माई फ्रेंड एंड देवोलीना इज माई फ्रेंड, तो बस मेरी बेस्ट विशेज हैं और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो आई एम लविंग इट। बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जब मैं अपलोड करती हूँ तो तब थोड़ा बहुत देखने का मुझे मौका मिलता है। तो या उनके वीडियोस मैं देखती हूँ, फैंस काफ़ी यू नो सॉन्ग्स आ गए उनके काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस और मुझे लगता है कि दैट दे आर गोइंग टू विन, ऐसा मुझे लग रहा है। सो माय बेस्ट विशेस आर देयर फॉर ऑल ऑफ देम। आने वाले समय में क्या हम आपको टेलीविजन पर्दे में फिर से देख पाएंगे एक नए किरदार के साथ विद दैट सेम चार्म? देखिए मेरी ये ख्वाहिश तो नहीं है हाँ, बट देखिए आगे अभी क्या है ज़माना, जिस तरह का मेरा वर्क शेड्यूल रह गया, जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल हो गया है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग बिकॉज आई कांट एबल टू गिव टाइम फॉर माय ओडिसी डांस, फॉर माय योगा एंड फॉर माय पर्सनल लाइफ। एंड मैंने बहुत किया है, ऐसा नहीं है, 1500 एपिसोड्स किए हैं मैंने दिया बाती के, फिर कवच किया है मैंने। सो आई थिंक आई हैव शोन माई, आई हैव मतलब इन्जॉय किया है मैंने टेलीविजन, बहुत इन्जॉय किया है और अब आगे मैं फिल्म और वेब सीरीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।